अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूँ सैयद अनिदा शाह और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा नहीं सॉरी और आप देख रहे हैं विनी व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। सो मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। सो आज की वीडियो में मैं आपको इवलाइन प्रोडक्ट्स के रिव्यू करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था, मैंने पोल डाली थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप सब इवलाइन प्रोडक्ट्स के रिव्यू करें, तो मुझे करना पड़ेगा। यू कैन सी एज यू कैन सी आई गॉट अ न्यू माइक। लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। सो या लेट्स गो। अच्छा तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ इवलाइन क्लीन योर स्किन टोनर। अगर मैं इस टोनर की बात करूँ तो आई विल से नो, बिकॉज आई हैव सेंसिटिव स्किन एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर सेंसिटिव। इट इरीटेट्स माई स्किन एंड इट मेड माई स्किन इवन वर्स्ट, और इसने मेरी स्किन को थिन कर दिया है एंड इट मेड माई स्किन मोर सेंसिटिव एंड मोर एक्नी प्रोन एंड वेरी थिन। अगर आपके पास सेंसिटिव स्किन है देन डोंट यूज दिस। बाकी मुझे दूसरी स्किन के बारे में नहीं पता कि ये दूसरी स्किन पर कैसे रिएक्ट करता है, बट आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ नॉट मेड फॉर माई स्किन। मैं जब इसको यूज़ कर रही थी जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मुझे लगा ये मेरी स्किन को पर्ज कर रहा है, बट नो, इट वॉज नॉट पर्जिंग, इट वॉज मेकिंग माई स्किन इवन वर्स्ट एंड आई वॉज थिंकिंग इट इज़ पर्जिंग। तो मैं उसलिए इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ करती रही और मैंने इसका रिव्यू भी लगाया था एंड लॉट्स ऑफ पीपल आस्क्ड मी। तो मैंने सोचा चलो हम इवलाइन के प्रोडक्ट्स रिव्यू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा है आप सब ने। आई विल से नो फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है? सो डोंट यूज़ दिस प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता इसके रिजल्ट कैसे हैं, आप दूसरे जाके रिव्यू देख सकते हैं, बट या आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट। बाय द वे इट हैज़ नियासिनमाइड एंड इट हैज़ लेट मी जस्ट। सो इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स हैं, पहला इन्ग्रीडियंट है इसमें साइलिसिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड एंड नियासिनमाइड, टी ट्री ऑयल, एलोवेरा एंड डी पैंथनोल। प्रोडक्ट जो मुझे इंग्रेडिएंट अक्सर जो है क्या बोलते हैं इरिटेट करता है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, और नियासिनमाइड। तो ये मेरी स्किन पे सूट नहीं कर, आई थिंक मुझ पे ग्लाइकोलिक एसिड सूट नहीं करता, तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है उसकी वजह से दिस इज़ नो फॉर मी, ये मुझ पर सूट नहीं करता। सो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस आई थिंक अराउंड 1000 है और समथिंग या 1500, आई डोंट नो, बट अगर आप इसको बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट। सो या अब आते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे जो है विच इज़ इवलाइन सनस्क्रीन, ठीक है? ये भी मैं बहुत मुझे पसंद है, आई लव 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 दिस सनस्क्रीन। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन एंड इट इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन, इट इज़ गुड फॉर सेंसिटिव स्किन एंड इट इज़ गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन एंड आई विल से कि ये बहुत ऑयली है, सो इट इज़ गुड फॉर विंटर्स। बाय द वे आई यूज़ दिस बिकॉज मेरी स्किन कभी कभी ड्राई हो जाती है। ये सनस्क्रीन मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन अक्सर ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो या और यहाँ से बहुत पसीना आता है मुझे, यहाँ से मेरी स्किन ड्राई होती है, आई डोंट नो, मेरी स्किन बहुत अजीब है। सो या कभी कभी मैं इनको मिक्स करके लगाती हूँ। दीज सनस्क्रीन्स आर द बेस्ट सनस्क्रीन्स आई हैव एवर सीन, ठीक है? तो मैं हमेशा से यही लेती आ रही हूँ, मेरे पास ऐसी बहुत थी, ख़त्म हो गई हैं और मैं इसको रीपर्चेस करती रहती हूँ आई थिंक इट इज़ अराउंड 1000 और समथिंग एंड नो इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑयली स्किन, इट इज़ ओनली गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल्स एंड अफोर्डेबल भी है, अच्छी भी है और आपको आराम से मिल जाएगी। ओके सो द थर्ड प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कौन सा किधर गया इज दिस स्क्रब, ठीक है? दिस स्क्रब इज़ वेरी वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड इट इज़ गुड फॉर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड विल नॉट इरीटेट योर स्किन। बहुत छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स हैं एंड या और ये बहुत अच्छा है एंड मैंने इसके दो स्क्रब यूज़ किए हैं इवलाइन के, पर तो दूसरी लाइन से। पहले मैंने इनकी वाइटनिंग, पता नहीं वाइटनिंग क्यों बोलते हैं ये, बट इनकी वाइटनिंग वाली मैंने लाइन से एक स्क्रब लिया था और अभी जो है मेरे पास वो है ये वाला स्क्रब एंड दिस इज़ कॉल्ड 8-in-1 स्क्रब एक्टिव प्लस जेल प्लस मास्क एंड प्लस स्क्रब। सो या ये आपको 8-in-1 चीज़ें देते जाते हैं एंड आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आएगा एंड इट इज़ वेरी गुड, बट आई वॉन्ट से कि ये आपकी एक्ने के लिए अच्छा है। मैं इसको सिर्फ एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट लगाती हूँ, ये पिम्पल्स को सिर्फ टाइनी कर देता है एंड या और थोड़ा सा काम कर देता है आपके पिम्पल्स को, इरीटेशन कम हो जाती है, या दैट्स इट।
and it is around I think 1000 or something or 800, I don't remember, but I think ye 800 ya 1000 mein hai, mujhe nahi pata. So yeah, it is 8-in-1. It has salicylic acid and menthol and zinc. अच्छा, तो इसमें जो सेकंड चीज़ मिलाई गई है वो है जिंक. मैंने अपने बाल बांध दिए क्योंकि मैं भूतनी लग रही थी. तो अब हम बात करते हैं इनके स्क्रब के बारे में. सो इनका स्क्रब बहुत अच्छा है. इट हैज़ टाइनी टाइनी ग्रैन्यूल्स जो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेंगे. इट रिमूव ब्लैक हेड, इट रिमूव्स वाइट हेड्स, एंड मैंने भी इसको यूज़ करके देखा. इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्लैक हेड्स, आई एम सीरियसली टेलिंग यू. बट आई वॉन्ट से कि इट इज़ गुड फॉर एक्नी. ये सिर्फ आपकी एक्नी को थोड़ा सा छोटा कर देता है इफ़ यू यूज़ इट एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट. मैं भी इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ. ज़ाहिर बात है मैं इसको वॉश करके फिर सो जाती हूँ, तो जब मैं सुबह को उठती हूँ तो मेरे पिंपल्स थोड़े से छोटे और काम हुए पड़ते हैं. लाइक वो जो इरिटेशन होती है, जो रेडनेस होती है, वो कम हो जाती है थोड़ी सी. सो या बस यही मैं कहना चाहूँगी स्क्रब के बारे में, और कुछ मुझे जहन में नहीं आ रहा. सो या दैट्स इट. सो आई यूज़ दिस स्क्रब 2 times a week और बहुत अच्छा स्क्रब है. यू हैव टू बाय इट एंड आई थिंक इट इज़ अराउंड 800 or 900. मुझे आई लाइक जैसे कि आप इसको अप्लाई करके और फिर फेस वॉश करते हैं, इट गिव्स यू इंस्टेंट ग्लो. बहुत अच्छा इंस्टेंट ग्लो देता है, आपकी स्किन स्मूथ लगती है. इट इज़ 8-in-1 एंड यू कैन यूज़ इट एज अ जेल, एज अ स्क्रब एंड एज अ मास्क. मैं इसको तीनों तरीक़ों से यूज़ करती हूँ. मैं इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी लगाती हूँ कभी कभी. कभी कभी मुझे इरिटेशन हो जाती है तो मैं इसको उस वक्त भी लगाती हूँ. कभी अगर मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्ट निकलता है कहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी अगर मुझे सिस्ट निकलता है तो मैं इसको वहाँ पे लगा देती हूँ और सुबह को और फिर मेरी स्किन थोड़ी देर के बाद सही हो जाती है. एंड मैं इसको स्क्रब की तरह यूज़ करती हूँ 3 ways. ठीक है, आप इसको 3 ways में यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर विटामिन सी और देयर विटामिन सी सीरम, जो मुझे सही लगता है. इतना खास नहीं है, ठीक है, बस सही है. इट जस्ट गिव यू अ ग्लो. ठीक है, ये आपकी स्किन को सिर्फ थोड़ा सा ग्लो देता है. आई वॉन्ट से कि आपकी ये एक्नी कम कर देता है एंड ऑल दैट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक देयर बॉटल्स. ठीक है, इनकी बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये डार्क है, तो ये आपकी आपके ये तो ये आपके सीरम को ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा क्योंकि इट इज़ डार्क. तो डार्क बॉटल्स में अगर चीज़ें होती हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं. इट गिव यू अ ग्लो. ठीक है, ये सिर्फ आपको ग्लो देता है एंड आई थिंक और कुछ नहीं करता इतना खास. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीरम. सो आई विल से कि सीरम बस सही है, ना ही इतना अच्छा है ना ही ज़्यादा गंदा है. इट इज़ जस्ट गुड. ठीक है, like it is just good and it is good for all types of skin. You can use it on any skin and I will say ki ye aapki skin ko brighten up nahi karta hai and nahi ye aapki acne ko bhi kam nahi karta hai and it just gives you a healthy एंड यूथफुल ग्लो. ठीक है, ये सिर्फ आपकी स्किन को ग्लो देता है, नेचुरल ग्लो. आपका फेस बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड हेल्दी ग्लोई ऐसा होता है, बस दैट्स इट. आई थिंक इसकी प्राइस अराउंड 1000 rupees है और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर क्योंकि मुझे हमेशा भूल हो जाती है और फिर मैं गलत बता देती हूँ. फिर लोग मुझसे बहस करते हैं कि आपने झूठी प्राइस बताई थी, हमने तो इतने में लिया है, ये वो फलानी. सो या सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम ईवलाइन. ठीक है, तो इनका जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगता है दैट इज़ 8-in-1 serum. ठीक है, इनका 8-in-1 serum इज़ अमेजिंग. सो दिस इज़ दैट प्रोडक्ट विच आई रियली रियली लाइक. तो मुझे इनका ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई रियली 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 लाइक. एंड मैंने इसकी आई थिंक 3 बोतलें यूज़ कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं. सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. और मैं आपको वाइटामिन सी वाला भी दिखा देती हूँ, मैं भूल गई थी, सॉरी. सो दिस इज़ वॉट वाइटामिन सी वाला लुक्स लाइक. ठीक है, तो इसमें आपको 18 ml का प्रोडक्ट मिलता है. जैसे वाइटामिन सी वाला 18 ml है, वैसे ही 8-in-1 serum 8-in-1 जैसे वाइटामिन सी की बॉटल है वैसी ही 8-in-1 serum की है. ठीक है, दोनों में उतना ही प्रोडक्ट है, 18 ml है दोनों. एंड आई थिंक 8-in-1 वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है. अच्छा, तो सबसे पहली बात, इस सीरम में आपको सिर्फ 1% मैंडेलिक एसिड मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है फॉर सेंसिटिव स्किन. यू कैन यूज़ इट ऑन एनी टाइप ऑफ स्किन. इट इज़ गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन एंड आई रियली रियली लाइक दिस सीरम. लाइक माय स्किन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड इट वर्क्स ऑन माय स्किन एंड आई गॉट रिड ऑफ माय एक्नी ओनली बिकॉज ऑफ दैट सीरम. ठीक है, एंड जब से मैंने ये सीरम लिया है इट इज़ लाइफ चेंजिंग. सीरियसली, इसने मेरे स्किन को बिल्कुल चेंज कर दिया है.
इट हैज़ चेंज्ड माई स्किन, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड माई स्किन. बट जब भी मैं कोई थ्रेडिंग वगैरह कराती हूँ, लाइक थ्रेडिंग या वैक्सिंग, वैक्सिंग तो मैं भी नहीं करवा रही, बाय द वे, जब मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ तो मुझे दाने निकल आते हैं, फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है. बाय द वे, नॉट आफ्टर थ्रेडिंग, के थ्रेडिंग के बाद आपको ये यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको थोड़ी एक दिन दो दिन छोड़ दें, फिर उसके बाद आप इसको लगाएं. ओके, आई यूज़ दिस सीरम 2 times a week और बहुत अच्छा सीरम है. इट इज़ गुड फॉर एक्नी, इट इज़ गुड फॉर एक्नी स्कार्स एंड इट मेक्स योर स्किन स्मूथ, ग्लोई एंड फ्रेश एंड इट इज़ गुड फॉर हाइपर पिगमेंटेशन एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड आई हैव, आई थिंक मैंने इसकी 3 या 4 बोतलें ख़त्म कर दी हैं और ये मेरी 4th bottle है. I don't remember, but शायद ये मेरी 4th bottle है, ये भी ख़त्म हो चुकी है. एज यू कैन सी, प्रोडक्ट ही नहीं नज़र, थोड़ा बचा है अभी इसमें. बस आपकी एक्नी चली जाएगी, आई एम 100% श्योर. आप बस इसको यूज़ करके देखें, अगर ये काम ना करे तो मुझे बताइएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा आप इसको यूज़ करके, और फिर इस वीडियो पे वापस आएँ और फिर मुझे बताएं कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला. बाय द वे, आई एम 100% श्योर इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइज. आई गॉट रिड ऑफ माई ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्नी, एक्नी स्कार, हाइपर पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन एंड अनइवन स्किन टोन, ऑल दैट. ठीक है, सब कुछ इसने ही किया. बट जब मैं इसको छोड़ती हूँ तो फिर मेरी एक्नी वैसी हो जाती है, मेरी शक्ल वैसी हो जाती है. अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मैं इस सीरम को कैसे यूज़ करती हूँ. आई यूज़ दिस सीरम एट नाइट. ठीक है, मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करके और फिर ड्राई करके, बिल्कुल ड्राई करके, उसके बाद मैं इसको ड्रॉप्स में लगाती हूँ. एंड आई यूज़ दिस सीरम ओनली 2 times a week. ठीक है, डेली नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट विल मेक योर स्किन थिन एंड सीरियसली बहुत अच्छा है. और फिर मैं सुबह को मुंह धोती हूँ और उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. ओके, देन यू आर गुड टू गो. बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन स्नैपचैट. सो या, टेक केयर एंड पीस, एंड पीस, बाय बाय. कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट विनी दबू. बाय बाय, मैं बहुत थक गई हूँ अभी, मेरा गला सूख गया है. सो या, बाय. एंड हाँ, एज यू कैन सी, आई गॉट माई मिनी माइक अगेन. सो या, बाय बाय. एंड हाँ, थैंक यू सो मच. एंड मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया, एज यू ऑल नो आई गॉट मोनेटाइज, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया. मैंने 10 बार बताया, बट yeah, so yeah, as you all know, my channel got monetized and I'm so happy and blah blah blah. Bye bye, take care.